अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। ये थोड़े डिफरेंट तरह के हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें पहले क्या करना होगा हमें। तो पहले सबसे पहले मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के आलू, उनको मैंने कर लिया है कद्दूकश, और उनको मैंने अच्छे से उनका पानी निकाल लिया है। कद्दूकश करने के बाद मैंने उनका पानी निकाल लिया है, निचोड़ लिया अंदर से। उसके बाद हम इसमें जाएगा एक अंडा, और यहाँ पे मैंने नमक नमक चाहेगा, और इसमें जाएगी काली मिर्च। बस यही इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाएगा बहुत मज़े का स्नैक। तो आज मैं ये स्नैक बना रही हूँ अदीना के लिए। तो वो मुझसे कब से फरमाइश कर रही थी कि कब से मुझे बना दो ये, तो मैंने कहा चलो मैं आपको आज बना देती हूँ। तो मेरे पास ही खड़ी है ये। अच्छा चलिए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल, इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले ये वाले जो आलू मैंने किए थे कट, कद्दूकस किए हुए आलू सारे डाल लिए मैंने इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये काली मिर्च, ये हाफ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च है, तो इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी। और ये नमक कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ा हाफ करके डालूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून के करीब नमक, डल गया। अब इसमें ऐड कर दूँगी एक अंडा, अभी मैंने कर दिया है अंडा इसमें ऐड, ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लूंगी अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आप 4 आलू का बना रहे हैं तो जैसे मतलब दावत है या फिर कोई बर्थडे पार्टी पे आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं, मगर अंडा ज़रा आप रखिएगा क्योंकि बाइंडिंग इसी से होगी अंडे से ही, तो इसका ख्याल रखिएगा आप। और यहाँ पे मिक्सर तैयार हो चुका है, और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने रखा हुआ है पैन में। तो जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी वाला मिक्सर, मतलब आप 1 टेबल स्पून के जरिए एक पकौड़ा बना सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं घर में रमज़ान में, जैसे कोई दावत होती है तो वैसे वैसे हम इसी को बनाएंगे। जैसे हम आमतौर पर पकौड़ा बनाते हैं ना, वैसे ही हम इसको बनाएंगे। और अब यहाँ पे ऑयल हो चुका है गर्म, आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ शैलो फ्राई, तो प्लीज़ आप भी जो आपका दिल करे वही कर सकते हैं। देखिए ऐसे बनाने हैं आपने पकौड़े। और अब देखिए यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको फ्राई करेंगे, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। मुझे क्योंकि डीप फ्राई करना पसंद नहीं, कि ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो फिर ऑयली से हैवी हैवी हो जाता है, तो इसलिए हम शैलो फ्राई करते हैं हर चीज़। और यहाँ पे मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और अब मैंने इसको अच्छी तरह पकने चाहिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हमने अंदर एग डाला है तो एग का पकना ज़रूरी है। आप ज़रूर ये पकौड़े ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो और ये आप पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को पसंद आएंगे, और बहुत ईजी से हैं, मिनटों में बन जाते हैं, और अवेलेबल भी हर चीज़ होती है घर में वैसे भी। और यहाँ पे पकौड़े हो चुके हैं तैयार, तो अब मैं इसको प्लेटर में सर्व करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे सर्व होंगे। और यहाँ पे हो चुका है तैयार प्लेटर, और यहाँ पे देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने इनको सिर्फ शैलो फ्राई किया है, इनको डीप फ्राई नहीं किया। और आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई चटनी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यहीं से मैं आपसे लूँगी इजाज़त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आप मुझसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन सी रेसिपीज आप मुझे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। तो यहीं से लूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।